मालिक थैंक यू सो मच। कल का मैच काफ़ी ही प्रेशर भरा मैच था और लखा सर लोग ने बहुत ही अच्छा खेला और जो फर्स्ट इनिंग स्कोर था 147 दैट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग स्कोर एंड आफ्टर कि हमारे 11 रन पे 3 विकेट हो गए थे इट वाज लुकिंग रियली टफ बट थैंकफुली आई वुड लाइक टू थैंक माय कैप्टन गॉडविन सर कि जब तक वो क्रीज पे थे आई वाज प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि हमें मैच हम ये रन स्कोर कर सकते हैं एंड उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प करी एंड आई न्यू इट कि मैं बाउंड्रीज क्रॉस कर सकता हूँ बट इस टूर्नामेंट में एक बार भी मैंने कोई लंबी इनिंग नहीं खेली थी बट हाँ 20s की काफ़ी दो तीन इनिंग्स खेली थी तो मुझे पता था कि वंस आई सपोर्ट माय कैप्टन एंड आई स्टे एट टिल द एंड दो चार सिक्सेस तो मैं लगा ही सकता हूँ और वही हुआ और काफ़ी एक्साइटिंग मैच था एंड पर मयंक गॉडविन ने तो बहुत ही शानदार इनिंग खेली और बिना छक्के मारे ज़्यादा उन्होंने 81 रन बना दिए वो भी सिर्फ 60 गेंदों में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? गॉडविन सर तो ही इज़ अ बॉर्न प्लेयर और उनके नाम में भी गॉड मस्ट विन आता है तो मैं तो उनको कॉलेज के डे से देख रहा हूँ। ही इज़ अ बॉर्न प्लेयर, ही इज़ अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन तो उनसे तो एक्सपेक्टेड है ही और उन्होंने ज़्यादातर मैचेस में वी हैव रीच द फाइनल जस्ट बिकॉज ऑफ हिम बिकॉज वो एक एंड पे खड़े रहते हैं चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो वो तो हमेशा मतलब ही इज़ अ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर एवरी वन नोज। पर कल आप 50 पूरे नहीं कर पाए इसका हमें बहुत दुख है, आप क्या सोचते हैं? नो आई एम नॉट दैट मच यू नो डिसअपॉइंटेड बिकॉज 49 फॉर मी मेरे स्कोर ने टीम को जिताया दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। थैंक यू मैन।